नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। HPSSC का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेपर अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिमाचल जीके का सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग सी राज्य किस वर्ष बना था? हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग सी राज्य कब बना था? 1951 में बना था। 1951 में बना था, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल रहता है, क्योंकि कई बार इंटरनेट पर सर्च करने के बावजूद आपको 1950 इसका आंसर मिलता है, और किताबों में 1951 मिलता है, और जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है इसका, वो 1951 दिया है। तो हम 1951 ही मानकर चलेंगे कि 1951 में भागसी राज्य बना था। अभी और भी कुछ यहाँ से बातें करेंगे हिमाचल के बारे में, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और कुछ और भी। देखो, अभी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश को जो था वो कब जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत लाया गया था। तो हिमाचल प्रदेश को जो था वो 1948 में जो था वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था, और हिमाचल प्रदेश जो था वो टेरिटोरियल काउंसिल कब यहाँ पर स्थापित की गई थी? तो 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल स्थापित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। अब ये भी आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी कब से कब तक रहा? 1956 से लेकर 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा। बिलासपुर जो था वो कब पार्ट सी स्टेट? बिलासपुर पार्ट सी स्टेट था। इसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? 1 जुलाई 1954 को इसका विलय हुआ था। किन्नौर का विलय कब हुआ था हिमाचल प्रदेश में? तो किन्नौर 1960 में अलग डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था हिमाचल प्रदेश का। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? क्वेश्चन नंबर ये जो 45 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेस्टर्न ट्रैगोपैन। वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है हिमाचल प्रदेश का क्या है? राज्य पक्षी है। अभी यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो आप मुझे स्टेट एनिमल और स्टेट फ्लावर आप कमेंट करके बता दीजिए। कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स क्या है, राज्य खेल क्या है? तो वॉलीबॉल जो है वो राज्य खेल है। ये जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, इसको जुजुराना भी कहते हैं। तो जुजुराना जो था हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कब बना था? जुजुराना 2007 में जो था वो राज्य पक्षी बना था, ये आप याद रखिए। इससे पहले मोनाल हुआ करता था, जुजुराना 2007 में बना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पहले सभापति जो थे वो कौन थे? पहले सभापति कौन थे यहाँ पर इसके? ये थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कुछ ऐसे जो पहली बार रह चुके हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज जो पहली पहली बार जिनको डिसाइड हिमाचल में कोई कार्य संभाला गया था, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन थे? वो थे EP पेंडुलम। पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? तो पहले चीफ सेक्रेटरी थे KL मेहता। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर थे S चक्रवर्ती। पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थे शीला कौर, श्रीमती शीला कौर। पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं? तो वो थे जस्टिस मेहर सिंह महाजन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये क्या है? ये है द फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश का पहला अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन डी सही आंसर है, संजय विद्युत परियोजना। ये जो संजय विद्युत परियोजना है ये कौन सी है? ये अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट है। पहले तो संजय विद्युत परियोजना के बारे में जान लीजिए। तो ये जो संजय जल विद्युत परियोजना है, इसको भावा जल विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। 120 मेगावाट की ये जल कैपेसिटी है इसकी, और ये एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। 1989 में इसका कार्य जो था वो पूर्ण हो गया था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उहल तीन परियोजना जो है इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है? तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता है कि उहल तीन परियोजना की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन इस तरह से है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में चंद्रखानी दर्रा स्थित है? जो चंद्रखानी दर्रा कहाँ पर है, ये स्थित है ऑप्शन डी, कुल्लू में। अब ये कुल्लू में स्थित है चंद्रखानी दर्रा। कुछ ऐसे दर्रे जो कुल्लू में स्थित हैं, उनमें कौन कौन से दर्रे आते हैं? एक हो गया रसौल दर्रा। रसौल दर्रा कहाँ पर है, ये कुल्लू में स्थित है। एक हो गया खैली दर्रा, ये कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। एक हो गया तैंती दर्रा, तैंती दर्रा भी कुल्लू में स्थित है। एक हो गया सीजोत,
सी दर्रा भी इसको कहते हैं, सी ज्योत भी इसको कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये भी कुल्लू में स्थित है। एक दर्रा है रांगची गल्लू। रांगची गल्लू अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो रांगची गल्लू जो है ये भी कुल्लू में स्थित है। एक एनिमल दर्रा है, एनिमल दर्रा कहाँ पर है? ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दर्रे मैंने आपको बताए जो कि कहाँ पर स्थित हैं, कुल्लू में स्थित है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 है, लिंगटी वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो लिंगटी वैली है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? लिंगटी वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लाहौल स्पीति में ये लिंगटी वैली स्थित है। अच्छा, लिंगटी वैली लाहौल स्पीति में स्थित है। अच्छा, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैली जो लाहौल स्पीति में स्थित हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो पत्तन वैली, पत्तन वैली कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में स्थित है। एक है मुतुआ वैली, मुतुआ वैली कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। अच्छा, कुछ और वैलीज जो हमने कल डिस्कस की थी, कुछ वैलीज उसके अलावा कुछ और वैलीज भी हैं, जैसे कि क्यादाजून वैली हो गई, ये तो कल भी डिस्कस की थी, कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। एक होगी सरसा वैली, सरसा वैली कहाँ पर है? तो सरसा वैली जो है वो सोलन में पड़ती है। इस वैली को जो है वो औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पब्बर वैली आ गई, पब्बर वैली कहाँ पर है? तो पब्बर वैली जो है वो रोहड़ू तहसील में पड़ती है, यानी कि रोहड़ू में पड़ती है, ये शिमला में। चौंतरा घाटी कहाँ पर है? चौंतरा घाटी मंडी में स्थित है। समा घाटी या फिर जसवां दून घाटी, तो जसवां दून घाटी कहाँ पर है? ये ऊना में स्थित है। एक हो गई सप्रून वैली, तो सप्रून वैली कहाँ पर है? सप्रून वैली डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 50 क्वेश्चन है। द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी इज, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? देखो, कल हमने जहाँ तक मुझे याद है तो हमने ब्यास नदी का वैदिक नाम किया था, आज हम रावी नदी का वैदिक नाम जानेंगे। तो रावी का वैदिक नाम है पुरुषयनी। पुरुषयनी कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि रावी का संस्कृत नाम क्या है, तो रावी का संस्कृत नाम है इरावती, ये इसका संस्कृत नाम है। तो संस्कृत नाम भी आप याद रखेगा और वैदिक नाम भी आप याद रखेगा। अब रावी की कुछ सहायक हैं, सहायक नदियां हैं जिनके बारे में जान लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर रावी की सहायक नदियां हैं, भादल हो गया, सियूल हो गया, साहू हो गया, तुंधा हो गया, बैरा हो गया, तंतगिरी हो गया, चिड़चुंद नाला हो गया और बुधिल हो गया। ये सभी जो है ये रावी की सहायक नदियां हैं। रावी की याद रखेगा, कल हमने माइंड मैप के थ्रू ही ब्यास भी जाना था, उससे पहले सतलुज भी जाना था, तो ये माइंड मैप के थ्रू इजीली थोड़ा सा हो जाता है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 है, द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट धामी वॉज, धामी रियासत के संस्थापक कौन थे? धामी राजसी जो थी इसके संस्थापक थे कौन? ऑप्शन ए सही आंसर है, गोविंद पाल। गोविंद पाल के द्वारा धामी की स्थापना की गई थी। अगर धामी रियासत की बात की जाए तो धामी की स्थापना तो गोविंद पाल ने। धामी रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जो था वो पाल के स्थान पर जो था वो सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया था? मतलब जैसे गोविंद पाल नाम के साथ लगता था तो उन्होंने पाल को हटा दिया, सिंह लगाना शुरू किया, तो राज सिंह के द्वारा ये किया गया था। धामी की राजधानी कहाँ पर थी? धामी की राजधानी जो थी वो हलोग में थी। और धामी के उस समय राणा कौन थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय धामी के जो राणा थे उनका नाम था राणा गोवर्धन सिंह। ये आप धामी के बारे में याद रखिए। अभी हमने गिरिराज पत्रिका कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, तो गिरिराज में हमने एक रियासत पढ़ी थी, वो थी कुनिहा, वो थी कुमारसेन रियासत। तो कुमारसेन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? कुमारसेन की स्थापना जो है किरात सिंह, किरात चंद के द्वारा की गई है। और कुमारसेन के अंतिम राजा कौन थे? कुमारसेन के अंतिम राजा थे राणा विद्याधर सिंह। तो ये कुमारसेन के बारे में आप याद रखिए। कुमारसेन हो गया, धामी हो गया, ये दो रियासतें हमने पढ़ ली। देखो गिरिराज में वैसे तो करंट अफेयर आते हैं, बट एक आर्टिकल आता है जो पुरानी रियासतों या फिर पुराने कल्चर से रिलेटेड होता है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना था। ये मैंने गिरिराज के करंट अफेयर डिस्कशन में आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 52 है, हु बिल्ट तारागढ़ फोर्ट। ये जो तारागढ़ का किला था ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तारागढ़ का किला किसके कहाँ पर है? ये एक्चुअली में चंबा में स्थित, पर चंबा में तो ये स्थित है। बनवाया किसके द्वारा गया था ये? तो नूरपुर के राजा जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। अगर नूरपुर की बात करें तो देखो नूरपुर के राजा जब जगत सिंह थे, तो जगत सिंह के बीच में और चंबा के राजा जनार्दन के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसको कहते हैं ढलोक का युद्ध। ढलोक का युद्ध जो था वो 1623 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, इनके बीच एक युद्ध हुआ था, किसके द्वारा ये किला बनवाया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, द ट्रीटी ऑफ संगोली वर साइंड इन विच ईयर। संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि कब हुई थी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 53 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, 1815। 1815 में जो था ये संगोली की संधि हुई थी। देखो संगोली की संधि किस किस के बीच में हुई थी, संगोली की संधि जो थी पहले की क्यों गई थी। देखो अमर सिंह थापा का नाम आपने सुना था, तो अमर सिंह थापा ने अपने पुत्र रणजोर सिंह की सुरक्षा के लिए जो था ये संधि की थी, और किसके साथ की थी, तो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरनॉली के द्वारा, ऑक्टरलॉनी के साथ ये की गई थी। संधि इसलिए की गई थी ताकि जो था ये मेजर जनरल अमर सिंह थापा का जो पुत्र है रणजोर सिंह, इसको कोई मतलब खतरा ना हो, इसकी सुरक्षा बनी रहे, तो इसलिए ये संधि ऑक्टरलॉनी के साथ जो था वो की गई थी, 1815 में की गई, ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है, सोलन को जो है वो मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। देखो ये जो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मंडी में स्थित है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मंडी में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्थित है, एक तो बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये मंडी में स्थित है, एक हो गया शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है, ये भी मंडी में स्थित है, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मंडी में स्थित है। अब ये तो मंडी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हो गया, इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं वो हैं गेम्यूल्स या बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबा में स्थित है, कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, सैचू तुहा नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में स्थित है, कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा कुल्लू में स्थित है, कोकान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है, सबसे बड़ी है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ये है लास्ट विलेज ऑफ लाहौल इज, तो जो लाहौल का लास्ट विलेज है वो कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी सही आंसर है, सारचू, सारचू विलेज जो है वो लाहौल का अंतिम विलेज है, ये आंसर की के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अब लाहौल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौल का जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है, या फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है हिमाचल में, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो है रोंगटोंग परियोजना जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना वॉज स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी सही आंसर है, 2012-2013। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि दूध गंगा परियोजना कब चलाई गई थी, दूध गंगा परियोजना जो था वो 2009 में लॉन्च की गई थी, और किसकी सहायता में से लॉन्च की गई थी दूध गंगा परियोजना, तो नाबार्ड की सहायता से लॉन्च की गई थी ये दूध गंगा योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थोडा इन हिमाचल प्रदेश इज अ, तो थोडा हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो थोडा इज अ वॉर डांस। क्वेश्चन नंबर 58 का जो है वो कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये एक युद्ध नृत्य है थोड़ा। कुछ और भी ऐसे डांसेज हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि झंझार कहाँ का डांस है, तो झंझार डांस जो है वो चंबा में परफॉर्म किया जाता है। अभी एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि धांगी डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो धांगी डांस भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही परफॉर्म किया जाता है। जापरो डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो जापरो डांस जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की हांगरांग वैली में परफॉर्म किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया सांद और शाबू जो है ये डांस कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, तो ये डांस जो है ये लाहौल एरिया परफॉर्म किए जाते हैं। छुहारा डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो छुहारा डांस जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। बंथरा डांस कहाँ पर कहा है, बंथरा वैसे ड्रामा की लिस्ट में आता है, तो बंथरा जो है वो मंडी का ड्रामा है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट डांसेज याद रखिएगा, ड्रामाज याद रखिएगा जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो अभी कुछ दिन पहले एक पेपर हुआ था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।